क्योंकि वास्तव में साहित्य ये केवल साहित्य निर्मित प्रतिभा का काम, लेकिन साहित्य का आस्वाद और साहित्य के कारण संस्कार, ये तो सबकी आवश्यकता है। पूरे समाज को साहित्य प्रेरित करता है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा है कि दुनिया में कोई भी बड़ा परिवर्तन आने के पहले एक बड़ी आध्यात्मिक जागृति होती है, और यह सत्य बात है। कुछ एक नया स्पंदन आना है जो युग परिवर्तनकारी है, तो वो स्पंदन मूल से ही आना है, तो आध्यात्मिक जागृति होती है, उसके बाद परिवर्तन होता है। लेकिन आध्यात्मिक जागृति भी कैसे होती है? तो पहले तो अनुभूति लेते हैं कुछ लोग, वो सबके बस की बात नहीं है। संत, ऋषि, मुनि, साक्षात्कारी महात्मा, ये सब अपने अंदर अनुभूति करते हैं, और उसके बाद उसको सामान्य लोगों तक पहुंचाते, मौखिक रूप में, लिखित रूप में, कथा प्रवचनों के माध्यम से, काव्य के माध्यम से, अथवा लेखन के माध्यम से, टीकाओं के माध्यम से। विद्वान पढ़ते हैं, उनकी चर्चाएं होती है लोगों में, वो चर्चाएं प्रसारित होती है, लोग उसका आशय समझते हैं, धीरे धीरे परिवर्तन आता है, लोगों का मानस बदलता है। तो साहित्य, ऐसा भी एक बात चला था कभी, ये किस लिए? साहित्य एक प्रतिभा है, कला है, तो केवल कला के लिए कला है कि समाज के लिए कला है? तो दो साहित्यकों के गुट बन गए, एक कला के लिए कला ऐसा मानने वाला, दूसरा समाज के लिए कला ऐसा मानने वाला। दोनों अतिवादी, समाज को क्या चाहिए, क्या आवश्यक है, क्या देना है वगैरह गैर लागू बात है, हमको जो अच्छा लगता है, हमको जो अभिव्यक्ति करनी है ऐसी इच्छा होती है, हम वो करेंगे, समाज का क्या होगा इसका विचार नहीं करेंगे, ऐसा एक पक्ष अतिवाद। और दूसरा था कि चाहे जब चाहे जो लिखना गलत बात है, समाज को जो आवश्यक है वही लिखना चाहिए, अगर दूसरा कुछ लिखा जाए तो उसको दंडित करना चाहिए, जैसे कम्युनिस्ट देशों में हुआ कि कम्युनिस्टों की एक जो मानी हुई विचारधारा थी उसके विपरीत कुछ भी आएगा वो सत्य भी हो, हितकर भी हो, लेकिन वो नहीं, उसको कैंसिल करना, उसको बैन करना। परंतु हमेशा समाज धारणा का मार्ग यानी धर्म वो मध्यम मार्ग होता है। तो साहित्य का सृजन स्वार्थ सुखाय होता है, अंदर कुछ बात भरी है तो उसकी अभिव्यक्ति हुए बिना मनुष्य को चैन नहीं पड़ता। कुछ अच्छा देखा, अच्छा देखा, बड़ा आनंद हुआ, जी भर के देखा, मात्र इससे समाधान नहीं होता, वापस आके वो बताना पड़ता है, मैंने ये देखा, ऐसा देखा, बहुत मजा आया, ये सब बताना पड़ता है, तब वास्तव में समाधान होता है। और इसलिए यात्रा पर लोग जाते हैं, उसका प्रवास वर्णन। तो स्वांत सुखाय प्रतिभा का जागरण और उसकी अभिव्यक्ति, यह तो पक्का है ही, परंतु यह अभिव्यक्ति जब होती है तब वो अपनी निजी नहीं रहती, वो सार्वजनिक हो जाती, और कोई भी चीज सार्वजनिक करनी है तो उससे लोगों का नुकसान ना हो, इतना तो कम से कम देखा ही जाए, लोगों का भला हो, यह हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो केवल मनोरंजन हो।
और इसलिए ये जो साहित्य है वो केवल लिखने बोलने वालों का नहीं है, वो सबका है। और साहित्य ये शब्द ही उसका प्रयोजन व्यक्त करता है। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।